चंदनगर में एक 7 वर्षीय बच्ची के अपहरण का खुलासा करते हुए पुलिस ने बच्ची की मां को गिरफ्तार किया है। इस पूरे अपहरण कांड में बच्ची की मां ही अपहरणकर्ता निकली। दरअसल इंदौर के चंदनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 7 वर्षीय नातिन कहीं गुम हो गई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें यह बात सामने आई है कि बच्ची की मां ने ही उसका अपहरण किया है। परिजन की निशानदेही पर जब बच्ची की मां के घर बड़वा में दबिश दी गई तो बच्ची वहीं से बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक बच्ची अपनी मां के साथ नहीं रहना चाहती। पुलिस ने यह भी बताया कि महिला तकरीबन 4 विवाह कर चुकी है। पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है और बच्ची की मां के खिलाफ अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। चंदन नगर में परसों रात को एक फरियादिया द्वारा रिपोर्ट की थी कि उसकी 7 वर्षीय बालिका को कोई उठाकर ले गया है। सूचना मिलने पर थाना चंदनगर पर धारा 363 का प्रकरण कायम किया गया था और चूँकि एक 7 वर्षीय बालिका के अपहरण का मामला था, जो कि पुलिस की नज़र में सबसे संवेदनशील घटना है, उस बालिका के साथ कुछ भी हो सकता था, उसको उतनी ही गंभीरता से लेते हुए एडिशनल SP Zone 2 CSP अन्नपूर्णा और थाना प्रभारी चंदनगर के नेतृत्व में एक टीम क्या पूरा थाने को लगाया गया और आसपास के सैकड़ों CCTV फुटेज दिखवाए गए, तो देखने पर यह पता लगा कि एक महिला जो बुरके का इस्तेमाल करके उस बालिका को अपने साथ में ले जा रही थी, और उस जब ये हुआ कि एक महिला बुरके के साथ ले जा रही, तो उस लीड का सहारा लेकर उसके घर वालों से पूछा तो उन्होंने पता लगा कि इसकी माँ है जो आजकल बड़वा में रह रही है, वो हो सकती है। तत्काल जो है ना पुलिस टीम बड़वा भेजी गई और उस बालिका को, जो एक अबोध 7 साल की बालिका थी, उसको बड़वा से पुलिस ने सकुशल बरामद किया। चूँकि उसकी माँ ही उसको वास्तव में अपहरण करके ले गई थी और वो बालिका अपने नाना नानी के पास में रहती थी, जाना नहीं चाहती थी, तो उसमें उसकी माँ को ही आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया है। और चूँकि उसकी माँ की जिस तरह की शोहरत है कि उसने तीसरा चौथा पति बदला है, तो इस बात की प्रबल आशंका थी कि उस बालिका का दुरुपयोग हो सकता था। पुलिस ने बहुत गंभीरता से, तत्परता से कार्रवाई कर उस अबोध बालिका को सुरक्षित वापस लाके उसके नाना नानी के सुपुर्द किया। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।